नमस्कार आप सभी का, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज आप लोगों ने मुझे मंच प्रदान किया जिसका टॉपिक है, जैसे कि अभी आपका जो कंसल्टेंट था कि सर हमें जॉब के साइड में जाना चाहिए या बिजनेस के साइड में। देखो सर, अगर मैं आपको बताऊं कि हमें जॉब जो की है पहले सिलेक्शन करना चाहिए, और एक बिजनेस करने का मतलब क्या होता है कि कहने के लिए तो बहुत ही आसान है कि बस कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन एक रियल क्वेश्चन ही जानता है जैसे कि बिजनेस में कितने एफर्ट लगता है, कितना मेहनत लगता है, कई रात और कई दिन जग जग के, जब सब सो रहे होते हैं तब एक बिजनेस में जग रहा होता है और तब जाके वो सफल भी होता है और फेल भी हो जाता है। सफलता जिनकी आप कहानियाँ सुनते हैं, असफल हो गए उनकी कहानियाँ कोई नहीं बताता, आप सुनते भी नहीं होते उनकी कहानियाँ। क्या आप ही आप सोचिए, कोई एक भी फेलियर मुझे दिखा दीजिए जो कि फेल हुआ हो और उसकी कहानी आपको बताओ, पता है आपको नहीं पता। आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि एक बिजनेस और जॉब में क्या फर्क होता है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ जाएंगे और फिर ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे। देखिए, जॉब में क्या होता है, आपने पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद से आप जिस भी फील्ड से हो, चाहे आप टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, चुके जैसे कि मैं एक टेक्निकल बिजनेस चलाता हूँ, तो मेरे टेक्निकल बिजनेस चलाने में और कुछ लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए जो कि विदाउट टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए है जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है, मैं कौन दोनों चीज़ें लिख, चाहे हम टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, उसे आता हो या ना आता हो, आपकी जिंदगी में ये मैटर करता है कि आपकी चॉइस कहाँ है। सबसे पहले तो आप अपना चॉइस सोचिए कि मुझे अधिकतर मोस्टली टाइम मेरा मन लगता कहाँ है, अपने हॉबी को, अपने अंदर से जो आत्मा से निकलती है आवाज, अधिकतर टाइम पे जो हमारे माइंड में चलते रहता है उसमें आप अपना कैरियर बनाइए। फिर देखिए ना, आपको दिन पता चलेगा और ना रात पता चलेगी। बहुत सारे जो भी कह लीजिए अगल बगल पड़ोसी दोस्त मित्र जो भी हो, बहुत सारे लोग हैं जिनसे भी आपका अपना पहचान हो, किसी को आपने देख लिया आपका मन में हो गया कि हाँ अब तो मुझे आईएएस बन जाना है, अब तो मुझे जैसे इंजीनियर बन जाना है, ये आपकी चॉइस हो सकती है, आप मे बी डिफरेंट डिफरेंट, तो ये तो आप नहीं हुए ना, ये आप नहीं हो, ये वो है जिसके आप ख्याल देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं। हकीकत में आपको कुछ होना कुछ और है, लेकिन आप बनते कुछ और जा रहे हैं, तो इस चीजों का भी बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए, अपने कैरियर को, अपने चीजों को चुनाव करने के लिए। वो बातें तो मैं करूंगा आपसे, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि सबसे बेटर क्या है, जॉब है या बिजनेस है, वो टॉपिक मैं अभी भी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं, मेरे को आपका क्वेश्चन याद है पूरी तरह अच्छी तरह, लेकिन जस्ट मैं इस टॉपिक पे आने से पहले आप से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी चॉइस है कहाँ पे, आपको जो चॉइस है वो क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हो, तो ठीक है तो अलग बात है, लेकिन पहले तो हमें अगर आप जॉब भी करोगे या बिजनेस करोगे तो ये साइड चूज करोगे ना, कहाँ पे किस जगह मुझे क्या चीज़ का बिजनेस करना है, किस चीज में जॉब करना है। तो सपोज कीजिए आपका इंटरेस्ट है बाइक चलाना और आपको नौकरी करने में दिन में बैठने पड़ा, तो क्या होगा, पसंद करेंगे घूमना फिरना आपका शौक है, आप बैठ के काम कर रहे हो, इन्हें नहीं कर पाओगे, सुबह उठोगे मन नहीं करेगा जाने का, फिर कैसे काम चलेगा आप ही बताओ, नहीं हो पाएगा ठीक है। तो जो भी चीजें आपको चूज करना है, जहां भी जाना है, जैसे भी जाना है, जो भी करना है, हमें उसका सिलेक्शन करना पड़ता है, क्या ये फील्ड में है। आप पूछिए सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन करने के लिए पहले हमें अपने आप को देखना पड़ता है। एक टाइम होता है जैसे कि आप शुरुआती दौर में पढ़ने के लिए जाते हैं, उस समय जो भी इच्छा होती है आपके पेरेंट्स या आपके टीचर से कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो, अच्छा पढ़ोगे अच्छा आदमी बनोगे, ये तो बात ठीक है, समझ में आता है कि पढ़ोगे तो अच्छा आदमी बनोगे, लेकिन अच्छा आदमी होता कौन है, अच्छा आदमी बना कैसे करता है, ये चीज़ तो आज तक कोई बताया ही नहीं। अब आते हैं आपके टॉपिक, जो आपका क्वेश्चन, जॉब या बिजनेस, जॉब या बिजनेस आप कब करोगे, जब आपको ये समझ में आएगा आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करो कि हमारा इंटरेस्ट है कहाँ पे, इंटरेस्ट ढूंढने के लिए अपने आप को देखना पड़ता है कि मोस्टली टाइम मैं क्या कर रहा हूँ और कौन से फील्ड में मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या मैं उसको लेकर आगे अपना फ्यूचर बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, और इसके लिए क्या मेरे को कुछ फील्ड में कैरियर में कोई रुझान है कि नहीं, क्या इससे मैं कुछ चीज़ें डेवलप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जब तक आपका कहीं इंटरेस्ट नहीं होगा आप कोई भी चीज़ नहीं चूज कर पाओगे, अपने फील्ड का अपने कैरियर का कभी चुनाव नहीं कर पाओगे। ये बात तो भूल लो कि कोई कह देगा इस चीज़ में चल रही हो, आपकी चॉइस नहीं होगी, दूसरों की चॉइस होगी,
दूसरों की चॉइस भी क्या देनी चाहिए सकते हैं, या तो पूरी जिंदगी आप ऐसे ही गुजार दोगे जैसे समय काटना करते हैं, उस समय काटते ही नीचे लग जाएगा। अगर आपको खुद का अपना कैरियर का चुनाव करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप पे अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत बारीकी से अपने आपको समझना पड़ेगा कि मेरे लिए बेटर क्या है, मैं क्या सही चुनाव कर रहा हूँ और कौन से फील्ड में जाना चाहिए।